अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग मौजूद हैं इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में और पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा T20 मैच जारी है। कराची वालों के लिए थोड़ा सा मैसेज है कि मेहमान नवाजी ज़रूर करनी चाहिए थी क्योंकि वहाँ पे वनडे मैचेस हुए और स्टेडियम काफ़ी खाली था, तो मायूसी हुई क्रिकेट लवर्स को। लेकिन इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम लाहौर जो है वो खचाखच भरा पड़ा है क्रिकेट के लवर्स से, लाहौरियों से। जिंदा दिलान के शहर इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता, बहुत सी चीज़ों में कंपेयर तो हम ज़रूर करते हैं, लेकिन मेहमान नवाजी का जो आज पूरा हक है वो लाहौरी अदा कर रहे हैं। यहाँ पे फैमिलीज मौजूद हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि श्रीलंकन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तानी टीम के 16 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, लेकिन क्राउड जो है वो पूरा सपोर्टिव है। कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ इस वक्त क्राउड में नज़र नहीं आ रही कि वो पाकिस्तान की टीम को बुरा कह रहे हो या श्रीलंका को बुरा कह रहे हो, सपोर्ट किया जा रहा है, चाहे वो श्रीलंकन टीम है चाहे वो पाकिस्तानी टीम है। तो दिस इज़ क्रिकेट, क्रिकेट का हम जोम, हम पिछले कई अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं कि मुसलसल क्रिकेट का आगाज़ हो जाए। यहाँ पे इंटरनेशनल वर्ल्ड 11 आई, उसके साथ हमने देखा कि जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पर आई, उसने क्रिकेट मैचेस खेले, PSL के यहाँ पे मैचेस हुए, श्रीलंकन टीम आई और अब एक मतलब फिर श्रीलंकन टीम आई है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी यहाँ पर आए, बहुत सी रौनकें बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और आज एक मतलब फिर ये मैसेज है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो सकती है। मेरे साथ दो जर्नलिस्ट लेफ्ट और राइट में मौजूद हैं, दोनों क्राइम रिपोर्टर्स हैं, तो क्राइम रिपोर्टर्स के दरमियान में गिरा हुआ हूँ। पहले उमर यकूब साहब से बात करते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं, रिपोर्ट ही करते रहते हैं बाहर की सूरत हाल, आज थोड़ी सी लाइटर टोन पे इनसे बात करते हैं। उमर, आप क्राइम पे बहुत बात होती है लेकिन आज जरा लाइटर मोड पे बात हो जाए। क्रिकेट देखने हम पहुंचे हैं, VIP इनक्लोजर से निकल कर यहाँ पर इसलिए आए ताकि ये जो क्राउड है, हमारी पब्लिक है, हमारे लोग हैं, इनके दरमियान बैठ के मैच देखें, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और लाइवली एक इवेंट है, लोग बड़े जिंदा दिल हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। वैसे ही हमारे पास एंटरटेनमेंट के सोर्स कम हैं लेकिन इस तरह का क्राउड देख के आप खुद ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि लोगों को बड़े अरसे बाद इस तरह की एक एंटरटेनमेंट मिलने को देखने को मिल रही है। बाहर जब हम कवरेज कर रहे थे तो हर कोई बड़ा एक्साइटेड था कि इंटरनेशनल टीम्स को देखेगा। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों से पूछा, क्यों मैं वापस आता क्योंकि इन रिपोर्टर्स ने बीपर्स देने होते हैं तो 9 बजने वाले हैं, बीपर है मेरे साथ, रेहान मौजूद है, सिटी आबिद मौजूद है, सिटी 42 के क्राइम रिपोर्टर हैं, इन्होंने अभी बीपर देना है, तो इससे पहले बीपर तो आप देंगे, आप स्क्रीन पर बताएंगे सिटी 42 पे कि कैसा मंजर है अभी इस वक्त ऑडियंस के साथ बैठ के मैच देख के, कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। कराची की नस्बत अगर बात की जाए तो लाहौरिये निकले हैं घरों से जिन्होंने गद्दाफी स्टेडियम की रौनकें बहाल कर दी, मेहमान नवाजी का हक अदा किया है, मेहमान नवाजी का हक अदा कर दिया, सिक्योरिटी इंतजाम भरपूर है, 3 जगह पर तलाशी देने के बाद ये जो लाहौरिये हैं वो गद्दाफी स्टेडियम में पहुंचे हैं। अलबत्ता देखें आप कैसे लाहौरिये यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज के साथ हैं, बच्चे यहाँ पर आए हैं, बूढ़े यहाँ पर आए हैं, हर बंदा यहाँ पे इंजॉय कर रहा है, हर बंदा यहाँ पे इंजॉय कर रहा है। आप अब जा सकते हैं, आप अपना वीपर दे सकते हैं क्योंकि हम इनको रोकेंगे नहीं, यहाँ तमाम जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं जाऊँगा ऊपर, थोड़ा सा साथ आए, ये आप क्राउड का जो हम आपको इन्वायरमेंट है वो अगर दिखा देंगे, ये लाहौर की आवाम है जो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, नारेबाजी की जा रही है, बाजे बजाए जा रहे हैं, सीटी बजेगी और गाना बजेगा, ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। दिस इज़ द पब्लिक, दिस इज़ द मैसेज यहाँ पे। एक बड़ी ज़बरदस्त बात है उमर, सबसे मज़े की बात जो मुझे यहाँ पे लगी है कि यहाँ पे जितने हमारे लाहौरी है भाई पाकिस्तानी मौजूद हैं, यहाँ पे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा भी आप गूंजता हुआ सुनने, और इस वक्त ये मैच इंटरनेशनली मॉनिटर किया जा रहा है, जो मैसेज हम मुख्तलिफ कोशिश प्लेटफॉर्म से देने की कोशिश करते हैं आज वो यहाँ से भी आवाज़ जा रही है। देखिए सुल्तान, बाहर भी जब हम लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहे थे तो वो यही मैसेज दे रहे थे कि जिस तरह से श्रीलंकन टीम को डराने की कोशिश की गई थी, जिस तरह से दबाव डाला गया था, उसके बावजूद वो यहाँ पर आए हैं। खास तौर पे भारत की जानिब से ये कहा गया, प्लेयर्स को कहा गया कि आप मत जाएं, क्योंकि डायनामिक समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह अफगानिस्तान के प्लेयर्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खेलते हैं, उन्होंने अपने क्रिकेट का आगाज़ पाकिस्तान से किया, बिल्कुल ऐसे ही श्रीलंकन जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट इंडिया में खेलते हैं और ख़ास तौर पे IPL में भी बहुत ज़्यादा खेला जाता है। और अगर आप ज़रा सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो करें इंडियन प्लेयर्स के और श्रीलंकन प्लेयर्स के, तो आपको दोस्ती नज़र आती है, एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसी बिना पे कहा गया कि पाकिस्तान मत जाना। देखिए वो जो मर्जी कह लें, ये आंसर है, ये लोग जो नज़र आ रहे हैं ना, ये सहमे हुए लोग, ये डरे हुए लोग, ये खौफ ज़्यादा आंसुओं के साथ बैठ के मैच देख रहे हैं। देखिए कितना खौफ है पाकिस्तान के अंदर, लोग घरों से निकल नहीं रहे,
खाली स्टेडियम पड़ा हुआ है, खाली कुर्सियों के साथ इंटरनेशनल मैच देखने में आ रहे हैं। तो ये एक मैसेज है कि जिन्हें आपने डराने की कोशिश की, जिन्हें आपने धमकाने की कोशिश की कि पाकिस्तान ना जाओ, बहुत खतरनाक मुल्क है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, वहां पर आप जाएंगे तो वापस नहीं आ सकते, वो यहां पर खेल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें डराने की, थ्रू सोशल मीडिया डराने की कोशिश की कि स्टेडियम मत जाना, वहां पर बड़ी दहशतगर्दी होती है, वहां पर मजे की बात है, जगह नहीं है बैठने की। मजे की बात यह कि आज वर्किंग डे है, ऑफ डे नहीं है, वीकेंड नहीं है, छुट्टी नहीं है, सरकार ने आम तातील का ऐलान नहीं किया, कारोबार खुले हैं, मराकज खुले हैं, दफातर खुले हैं, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, काम से फ्री होकर स्टेडियम आ रहे हैं। हमने देखा कुछ लोग जल्दी आ गए, कुछ लोग लेट आ रहे हैं, जिसको जिस तरह मौका मिल रहा है वो स्टेडियम आ रहा है, फैमिलीज आ रही है यहाँ पे। सुल्तान, 2 बजे से हम क्राउड देख रहे हैं, मैं आप हम लोग बाहर 2 बजे से मौजूद हैं, 2 बजे से लोग कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर पहुंचे, बैठ के इस एंटरटेनमेंट का भरपूर फायदा उठाएं जो उन्हें प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। सबसे पहले मेरा ख्याल है कि हमें श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्हें इतना ज़्यादा डराया गया था, इतना प्रेशर उन पर बिल्ड किया गया था कि वो ना जाए, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे हैं और उन्होंने ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, एक भरपूर खेलों के लिहाज से भरपूर मुल्क है, जहाँ पर जाना चाहिए, हर टीम को आना चाहिए, बल्कि हम तो इंडिया को भी वेलकम करेंगे कि आप यहाँ पर आएँ और ये मैदान है, यहाँ पर आकर खेलें। अगर आपके अंदर खेलने के गट्स हैं, अगर आप वाकई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को समझते हैं, तो ये ग्राउंड्स ओपन है आपके लिए, आप आएँ, हम इंडिया को भी वेलकम करेंगे। हम इंडिया को भी वेलकम करेंगे जी, अगर वो मैच खेलना चाहते हैं। गद्दाफी स्टेडियम की रौनकें बहाल हैं और सबसे मज़े की बात ये है कि लाहौरियों ने मेहमान नवाजी होने का हक अदा कर दिया है कि कितने मेहमान नवाज होते हैं लाहौरिये, और इसका सबूत इस वक्त आपको स्टेडियम जो भरा पड़ा है अब क्राउड से, क्रिकेट लवर से, वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम जो इंक्लोजर है, कोई एक इंक्लोजर आपको खाली नहीं नज़र आएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का। 23,000 इसकी कैपेसिटी है, यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, एक इंक्लोजर आपको खाली नज़र नहीं आएगा। मैच जारी है, दूसरा T20 मुकाबला है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि ज़्यादा सपोर्ट श्रीलंकन टीम को भी किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तानी टीम को तो सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम श्रीलंकन टीम को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस नारे के साथ प्रोग्राम इसका अपनी वीडियो का इंतजाम करेंगे, आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।